फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हैव गॉट टू एंड द यूज ऑफ गोटा। गोटा को हम इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हैव टू। मजबूरी की भावना को एक्सप्रेस करने का तरीका होता हैव टू। जैसे किसी काम को करने में हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते, कोई हमसे कोई काम करने के लिए बोलता है, हमारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उस काम को करने में, बट उस काम को करने के लिए दबाव होता है, प्रेशर होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, हमारा अंदर से कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है बट बाहर से दबाव आता है, तब बोलेंगे आई हैव टू। ही के लिए हैज टू, ही हैज टू, और जो भी एक्शन है उसे बोल सकते हैं, जैसे जाना, गो, सिंपल। अगर कहीं जाने में आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आपको मजबूरी में जाना पड़ रहा है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, ही हैज टू गो। यू के लिए बोलेंगे यू हैव टू गो। इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क द क्वेश्चन देन डू यू हैव टू गो। लेकिन थर्ड पर्सन के लिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बोलेंगे डज ही हैव टू गो, हैज टू गो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब एस का साउंड डू में लग गया डज, तो वो फिर हैव टू बोलेगा, डज ही हैव टू गो। ही हैज टू गो नेगेटिव, ही डजंट हैव टू गो। इसी के साथ मैं आपको एक प्रैक्टिस पढ़ाता हूँ। कभी कोई इंसान आपसे क्वेश्चन करता है डू यू टेल अ लाई, आप झूठ बोलते हैं, तो हमें पता है कि हम झूठ बोलते हैं, तो बंदा बोलेगा यस आई टेल अ लाई, बट गलत एक्शन को एक्सेप्ट करना अच्छी लैंग्वेज नहीं होती। तो आप ऐसे मत बोलना यस आई टेल अ लाई। डू यू प्रिटेंड, आप बहाना बनाते हैं, तो आपने बोला हाँ बनाता हूँ, यस आई प्रिटेंड, बहाने सब बनाते हैं, लेकिन किसी गलत काम को आप करते हैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वहाँ पे एक स्मार्ट आंसर देना चाहिए। डू यू टेल अ लाई, वैसे मैं झूठ नहीं बोलता, यूजुअली आई डोंट टेल अ लाई, बट मजबूरी में प्रेशर होता है कोई तब बोलता हूँ, बट समटाइम्स आई हैव टू टेल अ लाई। तो ये आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जब कोई गलत काम हम करते हैं बट उसे डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते। डू यू प्रिटेंड, आप बहाना बनाते हैं, जैसे काम को टालना होता है पुट ऑफ द वर्क, क्या आप अपने काम को टालते हैं, डू यू पुट ऑफ द वर्क, अगर आप ऐसे बोलते हो यस आई पुट ऑफ द वर्क, तो ये गलत इंप्रेशन होगा आपका कि हाँ मैं अपने काम को टालता हूँ। तो अगर आपने ये बोला आई डोंट पुट ऑफ द वर्क, तो ये झूठ है क्योंकि आप काम को टालते हैं। तो इसको एक स्मार्टली हम जवाब दे सकते हैं, डू यू पुट ऑफ द वर्क, यूजुअली अधिकतर आई डोंट पुट ऑफ द वर्क, बट समटाइम्स आई हैव टू पुट ऑफ माई वर्क। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आई हैव गॉट टू। अमेरिकन इंग्लिश में लोग ज़्यादातर बोलते हैं हैव टू, और ब्रिटिश इंग्लिश, इंग्लिश यूके में आई हैव गॉट टू गो, वो लोग आई हैव गॉट टू करके बोलते हैं, बट ये लेस फॉर्मल है, इनफॉर्मल लैंग्वेज है, स्पोकन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। गॉट टू को मिलाकर ही बोल सकते हैं गॉटा, आई हैव गॉटा गो, लेकिन बीच में हेल्पिंग वर्ब को बोलने की ज़रूरत नहीं है व्हेन यू स्पीक इन स्पोकन इंग्लिश। सो सीधा बोलना है आपको आई गॉटा गो, मजबूरी में कोई भी काम करना है गॉटा। गॉट टू का स्लैंग होता है गॉटा, आई गॉटा टेल हिम, आई गॉटा कम देयर, आई गॉटा लीव माई जॉब। एक और पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ उसके साथ में, कभी कभी कोई चीज़ मेरे पास होती है तो हमने पढ़ा था आई हैव कार, और इसी को हम ब्रिटिश लैंग्वेज बोलेंगे तो आई हैव गॉट अ कार, तो यहाँ पे गॉट अ को मिलाकर भी हम बोलेंगे गॉटा। तो गॉट अ और गॉट टू का स्लैंग होता है गॉटा, बट मेक इट अ पॉइंट गाइस, आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, इसका पास्ट सेंटेंस आई हैड गॉट टू गो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें आई हैव गॉट टू गो केवल प्रेजेंट में ही बोला जा सकता है, इट हैज नो फ्यूचर फॉर्म, नो पास्ट फॉर्म। अगर आपको पास्ट में बोलना है तो बोलेंगे आई हैड टू गो, केवल आई हैड टू गो, एंड इन फ्यूचर वी कैन स्पीक आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो।